तो देखो तीसरा क्वेश्चन, एक आदमी चलती शौचालय सीढ़ियों, एस्केलेटर मतलब होता है बच्चों, देखो सामने लिखा है एस्केलेटर, एस्केलेटर मतलब होता है शौचालय सीढ़ियाँ, तो शौचालय सीढ़ियों पर अगर शौचालय सीढ़ियाँ चलती रहती हैं तो कुछ दूरी कोई कोई व्यक्ति है जो कुछ दूरी उस पर टी वन टाइम में तय करता है, अगर सीढ़ियाँ रुकी हुई हो तो उन्हीं सीढ़ियों पर कुछ दूरी टाइम टी टू में तय करता है। तो अपन को ज्ञात करना है कि फाइंड आउट टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस, तो उतनी ही दूरी कितने समय तय करेगा जब दोनों चले, जब आदमी भी चले और एक्सेलेटर भी चले। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में चले तो कितना टाइम लेगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले तो कितना टाइम लेगा। एक्सेलेटर का मतलब होता है बच्चों शौचालय सीढ़ियाँ, जमी ठहरी जमी चलने लगी, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। अब देखो एक्सेलेटर शौचालय सीढ़ियाँ सब चालित स्वचालित सीढ़िया स्वचालित सीढ़िया। अब देखो पहले केस के अंदर क्या है कि एक्सेलेटर एट रेस्ट ओनली मैन मूविंग अप, यदि स्वचालित सीढ़िया किसमें और रेस्ट में, तो बच्चों ये अगर एक्सेलेटर वाला केस आ जाता है ना तो ये केस अपन को लेना है जैसे रिवर फ्लो होता है ना, रिवर फ्लो रिवर में प्रॉब्लम की वैसे के वैसे लेना है। स्वचालित सीढ़ियों को मानना है अपन को नदी, इनको नदी माना तो इसकी वेलोसिटी होगी वी आर, और आदमी को मानना है नाव, नाव मानना है तो इसकी वेलोसिटी होगी अपने पास वी एम आर, नदी में तैर रहा है स्टिल वाटर में। तो अब देखो पहले क्या करा है, एक्सेलेरेटर एट रेस्ट ओनली मैन कैन मैन एक्सेलेरेटर एट रेस्ट, एक्सेलेरेटर एट रेस्ट तो वी आर का मान कितना होगा बच्चों, जीरो। इधर कोई व्यक्ति है, इधर कोई अपने पास मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, इसकी स्पीड, इसकी स्पीड क्या है वी एम आर। तो बात करते हैं सबसे पहले टाइम कितना रहता है टी वन, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है जीरो, तो तैरेगा स्थिर वाटर के अंदर तो कितना रहेगा टी वन टाइम में डी, मान लो डी दूरी तय करता है डी अपॉन वी एम आर। अब बात करते हैं इसकी केस नंबर दो की, एक्सेलेरेटर मूविंग अप बट मैन एट ऑन एट रेस्ट ऑन इट। तो देखो अब क्या है, एक्सेलेरेटर चल रहा हो, एक्सेलेरेटर तो क्या हो चल रहा हो मतलब कि नदी तो चल रही हो, वी आर तो चल रहा हो, और आदमी क्या हो रेस्ट पर, तो आदमी क्या करेगा नदी की चाल से बहेगा, नदी की स्पीड से चलेगा। तो देखो वी एम आर जीरो दे रखी है, आदमी रेस्ट पर है तो इसमें टाइम लगता है अपन को टी टू, तो टी टू बराबर आ गया अपने पास क्या डी, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो टी टू का मान क्या था डी अपॉन वी आर, टी टू वन डी अपॉन वी आर। अब देखो एक्सेलेरेटर मूविंग अप मैन आल्सो मूविंग अप, अब देखो पहले सेम डायरेक्शन की बात करते हैं, इसमें दो केस ले लेते हैं, ये हो गया अपने पास वी आर और ये हो गया वी एम आर, एक्सेलेरेटर इन सेम डायरेक्शन। जब सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, सेम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन की बात करते हैं, समान दिशा की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं समान दिशा, समान दिशा की बात करते हैं, सेम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो सेम डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाएगा अपने पास वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू, सेम डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगी बोलो बच्चों, सेम डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगी डी। अब देखो सेम डायरेक्शन की बात करते हैं तो टाइम कितना हो जाएगा अपने पास, टाइम आ लिया टी लिया इसने, टाइम कितना लिया टी, टाइम ले लिया टी, तो टी अपॉन वेलोसिटी ऑफ इसकी क्या हो जाएगी बोलो बच्चों, एक सेकेंड देखो बच्चों, अब सेम डायरेक्शन की बात करते हैं, सेम डायरेक्शन की बात करते हैं तो अपन वेलोसिटी ऑफ मैन की बात करते हैं सेम डायरेक्शन के अंदर, सेम डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी ऑफ मैन की बात करते हैं तो सेम डायरेक्शन के अंदर अपन वेलोसिटी ऑफ मैन की बात करते हैं, तो अगर सेम डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी ऑफ मैन की बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी बच्चों बोलो वी, और सेम डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी बोलो बच्चों, वी एम आर प्लस वी आर, वी एम आर प्लस वी आर, तो वी एम को क्या लिख लिया अपन ने डी अपॉन टी इक्वस टू डी, डी अपॉन वी एम आर की वैल्यू, वी एम आर की वैल्यू इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो वी एम आर की वैल्यू होगी डी अपॉन टी वन प्लस वी आर की वैल्यू होगी डी अपॉन टी टू।
तो डी को मले काट दिया, तो वन अपॉन टी कॉस्ट क्या क्या अपने पास, वन अपॉन टी वन प्लस का वन अपॉन टी टू। तो अब बात करते हैं वन अपॉन टी की, तो अपने पास वन अपॉन टी प्लस टू वन अपॉन, इसको सोल्व किया तो अपने पास आ गया, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टी वन इंटू टी टू, ये आ गया। अब देखो बात करते हैं टी की, टी बच्चों टी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो टी की वैल्यू आ गई अपने पास टी वन टी टू बटे वे टी वन प्लस टी टू, ये हो गए सेम डायरेक्शन में। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले, अगर दोनों विपरीत दिशा में चले, अब जब अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं दोनों की, तो अब दोनों की अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एम की अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी एम इक्वल टू वी एम आर माइनस वी आर, अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एम आर माइनस वी आर, वी एम आर माइनस वी आर, अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी बोलो, वी एम इज इक्वल टू वी एम आर माइनस वी आर। तो देखो वी एम की इसको लिखा डी अपॉन टी इक्वल टू डी अपॉन टी वन माइनस का डी अपॉन टी टू, अगर इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा टी इक्वल टू टी वन टी टू बटे वे टी वन टी टू माइनस टी वन। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2016 2017 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ अपने पास, तो देख लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। अगर शौचालय सीढ़ियों का क्वेश्चन आ जाए तो उसको अपन को लाइक उसी की तरह बिहेव करना है जैसे नदी के साथ कर रहे थे, देख लेना क्वेश्चन को। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तो नेक्स्ट टॉपिक है टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो नदी को सबसे छोटे पाथ के अनुदेश गति करनी है, नदी को सबसे छोटे पाथ के पथ के अनुदेश, सबसे छोटे रास्ते के अनुदेश पार करना है। तो सबसे छोटे पथ के अनुदेश पार करने के लिए अपन को क्या करेगा, बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जाना पड़ेगा, बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन मान लिया कि अपने रिवर को फ्ला रिवर का फ्लो मान लिया अपने पास इधर है, ये लिख लिया अपने, ये रिवर का फ्लो है इधर, ये है रिवर का फ्लो वी आर मान लिया अपन ने, ये रिवर का फ्लो दे रखा अपने के पास वी आर। अब देखो अगर व्यक्ति ऐसी गति करे, अगर व्यक्ति ऐसी गति करना चाहेगा, ऐसी गति करेगा पर इस बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जाना चाहेगा, तो रिवर फ्लो की तरफ रिवर फ्लो इसका क्या करा देगा, ड्रिफ्ट करा देगा, रिवर फ्लो इसको ड्रिफ्ट करा देगा, ड्रिफ्ट करा के बिंदु सी पर ले आएगा, ड्रिफ्ट करा के यहाँ पर ले आएगा बिंदु सी पर ले आएगा। लेकिन अब देखो ये तो ड्रिफ्ट करा के बिंदु सी पर ले आएगा, ड्रिफ्ट करा के बिंदु सी पर ले आएगा, तो अब अपन को तो बिंदु शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर पार करना है, तो सबसे छोटा पाथ तो यही होगा परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो जाना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, अब अपन क्या करेंगे, बिंदु सी पर तो अपन कुछ जाना नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, अपन क्या करना करना पड़ेगा, तो बच्चों अब अपन को क्या करेंगे, इस शॉर्टेस्ट पाथ के कुछ रिवर फ्लो से कुछ कोण पे अपन को क्या करना, एंगल पे अपन को क्या करना पड़ेगा, कुछ एंगल पे अपन को फ्लो करना पड़ेगा, कुछ एंगल पे अपन को तैरना पड़ेगा, कुछ एंगल पे अपनों को स्विम करना पड़ेगा। तो देखो मान लिया ये है वी एम आर, आदमी तैर रहा है वी एम आर से, स्टिल वाटर के अंदर पानी की चाल, ये कोण बना रहा है इससे थीटा कोण, कितना कोण बना रहा है बच्चों, थीटा कोण बना रहा है। अब इस वेलोसिटी का ये, अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए अपन ने, एक तो हो गया अपने पास देखो वी एम आर कोस थीटा, एक कंपोनेंट हो गया, एक कंपोनेंट हो गया अपने पास एक हो गया बच्चों वी एम आर कोस थीटा। अब दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी एम आर साइन थीटा, वी एम आर साइन थीटा क्या कहाँ पे आ जाएगा, अपोजिट टू द रिवर फ्लो, वी एम आर साइन थीटा कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, अपोजिट टू द रिवर फ्लो, ये हो गया अपने पास वी एम आर साइन थीटा, ये हो गया बच्चों देखो वी वी एम आर साइन थीटा। अब देखो बच्चों वी एम आर साइन थीटा हो गया, अब अपन को क्या करना है,
कि इस नदी को 100 टेस्ट पाथ के अंदर पार करना है, 100 टेस्ट पाथ के अंदर पार करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी को, अगर इस वेलोसिटी का है, वेलोसिटी को इसकी स्पीड का ये VMR साइन थीटा कंपोनेंट काउंटर बैलेंस कर दे, संतुलित कर दे, संतुलित कर दे तो क्या होगा, ये देखो, अगर VMR साइन थीटा VR को क्या कर दे, काउंटर बैलेंस कर दे, VMR साइन थीटा क्या कर दे, VR को काउंटर बैलेंस, अगर VR को काउंटर बैलेंस कर देता है तो साइन थीटा क्या आ जाएगा अपने पास बच्चों, VR अपॉन VMR ये आ जाएगा अपने पास, किसकी वैल्यू बच्चों, साइन थीटा की, ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास। अब देखो ये अगर इसको काउंटर बैलेंस कर देगा तो व्यक्ति कहाँ पे जाएगा, परपेंडिकुलर टू ए, कहाँ पे जाएगा, सीधा बिंदु बी पर पहुंच जाएगा। इस VMR को देखो, इसका कंपोनेंट ये, सबसे पहले क्या करेंगे इसको बिंदु बी पर पहुंचाने के लिए, इसको किसी कोण पे, किसी थीटा थीटा कोण पे अपन को क्या करना पड़ेगा, फ्लो कराना पड़ेगा, मतलब कि अपस्ट्रीम टू रिवर फ्लो, अपस्ट्रीम टू रिवर फ्लो, अपस्ट्रीम टू रिवर्स, अपस्ट्रीम तैरना पड़ेगा इसको, अपस्ट्रीम तैरेगा मतलब नदी के बहाव के विपरीत दिशा में तैरेगा, और वो भी किसी कोण पे, किसी कोण पे, मैं किसी कोण थीटा पे तैर रहा है, 100 टेस्ट पाथ के से किसी थीटा कोण पे तैर रहा है VM वेलोसिटी से। अब देखो VMR वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए अपने पास, VMR cos थीटा एंड VMR sin थीटा। अगर अपस्ट्रीम तैर रहा है, अगर नदी के बहाव के कंपोनेंट को, नदी के बहाव को अगर VMR sin थीटा काउंटर बैलेंस कर देता है तो अपने पास केवल एक ही कंपोनेंट बचेगा, VMR cos थीटा, VMR cos थीटा बचेगा जो इसको बिंदु बी पर ले जाएगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं थीटा, सबसे पहले अपन यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू हो गया अपने पास क्या, साइन इनवर्स इक्वल टू, साइन इनवर्स वी आर अपॉन VR अपॉन VMR, थीटा की वैल्यू आ गई VR अपॉन VMR। अब देखो ये थीटा कहाँ से था, फ्रॉम 100 टेस्ट पाथ, थीटा कहाँ से था, फ्रॉम, थीटा कहाँ से था अपने पास, फ्रॉम 100 टेस्ट पाथ, फ्रॉम 100 टेस्ट पाथ, थीटा कहाँ से था, छोटे पथ के अनुदिश। तो थीटा था अपना सबसे छोटे पथ के अनुदिश, तो फ्रॉम SHORTE shortest path, छोटे पथ के साथ सबसे सबसे छोटे पथ के साथ, थीटा कहाँ से हो गया, छोटे पथ के साथ जो कोण बन रहा है वो क्या अपने पास, थीटा। अब अपने से पूछ ले, मान लिए कि ये एंगल अपने पास, ये एंगल टोटल मान लिया अपने पास अल्फा मान लिया, चलो इस एंगल को मान लिया अपन ने अल्फा, तो अल्फा कितना जाएगा, एंगल फ्रॉम रिवर फ्लो, एंगल फ्रॉम रिवर फ्लो क्या जाएगा, देखो 90 डिग्री होती बनी रहा है, 90 डिग्री तो बनी रहा है, प्लस थीटा ये आ गया फ्रॉम रिवर फ्लो, फ्रॉम रिवर फ्लो नदी के बहाव के साथ, नदी के बहाव के साथ, नदी के बहाव के साथ, अल्फा के 90 प्लस थीटा। अब देखो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं टाइम के, टाइम कितना लगेगा, तो देखो थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं अपन इधर, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 प्लस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स VR अपॉन VMR, VR अपॉन VMR ये हो गई अल्फा की वैल्यू हो गई अपने पास। अब दूसरी बात करते हैं बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जाना चाहेगा, तो अब बात करते हैं दूसरी, अब टाइम कितना लगेगा 100 टेस्ट पाथ के अंदर, टाइम की बात करते हैं सबसे पहले, टाइम कितना लगेगा, टी की बात करते हैं, टाइम कितना लगा तो टी की बात करते हैं, तो विड्थ तो नदी की चौड़ाई कितनी देर की अपन को, डी, डी क्या है, विड्थ ऑफ रिवर, नदी की चौड़ाई, डी क्या है अपने पास, डी है बच्चों नदी की चौड़ाई, डी दे रखी अपन को नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई डी अपॉन इस पार कंपोनेंट कौन सा अपने पास, वी आर कोस थीटा। अब देखो आपको इसको अगर मान लो मैं इधर मिला दूँ, ये देखो इधर से
ये देखो अपने पास क्या है, ये इधर से इधर देख लेते हैं एक मिनट। ये तो अपने पास क्या है देखो, वी एम आर, वो ये है अपने पास वी एम आर कोस थीटा, और ये दे रखी अपने पास क्या वी एम आर, यह अपने पास वी एम आर, चलो इसको देखते हैं, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं अपन। अब देखो ये मान ले इसको यहाँ से मिलाते हैं अपन, तो सबसे पहले अपने पास बनता है डी अपॉन वी आर कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू अपन निकालते हैं, साइन थीटा की वैल्यू अपन को पता है, इधर से निकाल लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू, देखो इधर से मैं निकाल रहा हूँ साइन थीटा बराबर दे रखा अपन को क्या वी आर अपॉन वी एम आर, मतलब ये क्या बना लेगा अपने पास, ये बना लेगा क्या अपने पास समकोण त्रिभुज, तो एल अपॉन के हो गए, तो अपन कोस थीटा की वैल्यू लिखे, कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू जाएगी अपने पास वी एम आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अंडर दी रूट डिवाइडेड बाई वी एम आर, तो ये कोस थीटा की वैल्यू हो गई अपने पास, कोस थीटा की वैल्यू इधर रख दिया, कोस थीटा की वैल्यू इधर रखा, तो इक्वल टू टी बराबर डी अपॉन वी एम आर कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू रखी अपने क्या रूट ऑफ वी एम आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी एम आर, वी एम आर तो वी एम आर से वी एम आर कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, तो टी की वैल्यू आ गई अपने पास क्या डी अपॉन रूट ऑफ वी एम आर स्क्वायर माइनस वी आर का होल स्क्वायर, ये होगी अपने पास टी की वैल्यू, ये होगी अपने पास टी की वैल्यू। अब देखो बच्चों, अब देखो अपने पास क्या आ गया, अगर बिंदु ए से बी, तो बिंदु ए से बी पर जाना चाहता है अपन को, बिंदु ए से बी पर जाना चाहेगा, तो अपने पास क्या किसको यहाँ कहाँ से तैरना पड़ेगा, बिंदु ए इससे शॉर्टेस्ट पाथ से किसी एंगल पर तैरना पड़ेगा, किसी एंगल पर तैरना पड़ेगा, रिवर फ्लो से कुछ एंगल पर तैरना पड़ेगा अपन को, अगर कुछ एंगल पे तैरना पड़ेगा, लेकिन अपने पास ये ध्यान होना चाहिए कि जब भी तैरे इस एंगल पे, तो जहाँ तक तैरे जहाँ तक बिंदु बी पर पहुँचे तब तक ये कोण चेंज नहीं होना चाहिए, थीटा ही रहना चाहिए, जब तक ये चेंज एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, यह बात ध्यान में रखनी है कि थीटा का मान चेंज नहीं होना चाहिए पूरी, थीटा इधर ही देता हूँ मैं इधर, कि थीटा का मान मान बदलना बदलना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए जब तक नदी को पार न कर ले, तो ये बात अपन को क्या होनी चाहिए ध्यान में होनी चाहिए, तो देख लो एक मिनट इसको, फिर अपन आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अब देखो कुछ ड्रिफ्टिंग क्यों जाएगी, ड्रिफ्टिंग कितनी हो जाएगी इसमें, ड्रिफ्टिंग मतलब ये ड्रिफ्टिंग का मतलब हो जाएगा ड्रिफ्टिंग अलोंग द रिवर फ्लो इज जीरो, तो रिवर फ्लो के द्वारा इसमें ड्रिफ्टिंग कितनी जाएगी जीरो, ड्रिफ्टिंग तो कितनी जाएगी जीरो, अभी किसी एंगल पे तैरेगा तो सीधे क्या हो जाएगा बिंदु बी पर, तो ड्रिफ्टिंग तो कितनी हो गई जीरो, अगर ये पहली मान लो बिंदु इस यहाँ पे तैरता तो यहाँ पर पहुँच जाता, तो यहाँ पे क्या ड्रिफ्टिंग हो जाती, यहाँ पे तो बिंदु बी पर पहुँच जाती है, क्या हो जाती है इसमें ड्रिफ्टिंग, तो अब ड्रिफ्टिंग कितनी होगी, अगर इस एंगल पे तैरेगा तो बिंदु बी पर पहुँचेगा सीधा, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट वी आर काउंटरबैलेंस कर देगा, तो बिंदु बी पर पहुँच जाएगा, बिंदु बी पर पहुँच जाएगा तो ड्रिफ्टिंग कितनी जाएगी इसमें जीरो, ड्रिफ्टिंग कितनी जाएगी जीरो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है बस। नेक्स्ट स्लाइड, अब इसके अंदर दूसरा केस आता है अपने पास क्या, दूसरा केस है कि टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, तो अब नदी को क्या करना है सबसे कम समय में पार करना है, तो नदी को कम समय में पार करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा,
शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग गति करनी पड़ेगी, शॉर्टेस्ट पाथ के अनुदिश गति करनी पड़ेगी, शॉर्टेस्ट पाथ के अनुदिश गति करनी पड़ेगी। अब शॉर्टेस्ट पाथ के अनुदिश गति कर रहा है तो इस रिवर फ्लो का एक रिवर फ्लो का डायरेक्शन इधर है, देखो रिवर फ्लो की डायरेक्शन अपने पास ये रही, और VMR की डायरेक्शन अपने पास ये रही, VMR की डायरेक्शन ये है VMR, ये रिवर फ्लो की डायरेक्शन हो गई, ये VMR की डायरेक्शन हो गई। अब बात करते हैं, देखो टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, अब नदी को सबसे कम समय में पार करना चाहता है तो नदी को कम समय में पार करेगा तो क्या होगा, नदी को सबसे कम समय में पार करना चाहता है तो नदी को सबसे कम समय में पार करेगा तो उसको इस पथ के अनुदिश गति करना चाहेगा, इधर तो जाना चाहेगा लेकिन क्या होगा कि नदी का वेग, नदी का वेलोसिटी है ना, नदी के पानी का बहाव, इसको क्या करेगा नदी के इसमें ड्रिफ्टिंग ला देगा, ड्रिफ्टिंग ला के इसको मान लिया कि बिंदु सी पे ले आया, बिंदु सी पे ले आया और इसको ड्रिफ्ट कितना कर दिया, इसको ड्रिफ्ट कर दिया एक्स, ड्रिफ्टिंग होगी इसमें एक्स, मतलब इसमें विचलन उत्पन्न कर दिया एक्स, पहुँचना चाहता था बिंदु बी पर और पहुँच गया बिंदु सी पर, पहुँच गया बिंदु सी पर। अब देखो इसको तो मिनिमम टाइम में इसको पार करना है, मिनिमम टाइम में पार करना है तो क्या होना चाहिए, मिनिमम टाइम में पार करने के लिए कि इसको क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, मिनिमम टाइम पार करने के लिए, नदी को पार करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, हमेशा पूरी यात्रा के दौरान, पूरी नदी के जितना नदी को जब तक नदी को पार करे तब तक ये क्या होना चाहिए, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर ही गति करना चाहिए, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर ही गति करना चाहिए। तो देखो अभी अपन ने शॉर्टेस्ट पाथ के अनुदिश टाइम निकाला था, कितना आया था, डी अपोन VMR कोस थीटा, डी अपोन VMR कोस थीटा, तो कोस थीटा अब अपन कहते हैं मिनिमम टाइम, तो टी को मिनिमम होने के लिए कोस थीटा क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम, टी को मिनिमम होने के लिए कोस थीटा क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। अब टी मान लो मिनिमम हो रहा है तो कोस थीटा क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम, और कोस थीटा मैक्सिमम कितना होता है वो देखो, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है जो ये अपने पास कोस थीटा का ग्राफ आता है, तो कोस थीटा का ग्राफ होता है तो कोस थीटा ग्राफ ये देखो अपने पास ही आता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 2, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 1, तो कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, तो थीटा कितना हो गया अपने पास 0 डिग्री, थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री कहाँ से, शॉर्टेस्ट पाथ से, शॉर्टेस्ट पाथ से 0 डिग्री, मतलब कि हमेशा रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। तो टी मिनिमम कितना जाएगा अपने पास, टी मिनिमम कितना जाएगा, डी अपॉन कोस थीटा की वैल्यू एक हो गई तो डी अपॉन VMR, तो गति करना कैसे करेगा ये, हमेशा रिवर फ्लो के नदी के बहाव के लंबवत नदी के बहाव के लंबवत हमेशा गति करता रहना चाहिए। टी मिनिमम हो गया, ये हो गया टी मिनिमम। अब देखो इसके अंदर टी मिनिमम हो गया, अब बात करते हैं इसकी वेलोसिटी ऑफ मेन की बात करते हैं, तो ये क्या हो गया इधर वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब कि जा रहा था इधर था नदी के सब एक इधर जा रहा था, लेकिन जो बाहर से बैठा हुआ आदमी है, जो बाहर से कोई आदमी बैठा है इसको देखेगा तो किधर जाता हुआ दिखाई देगा, इसको बाहर से बैठा हुआ आदमी इसको देख रहा है तो इसको इधर जाता हुआ दिखाई देगा, तो VM के दो कंपोनेंट हो गए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए अपने पास, तो वो क्या हो गया, एक तो VMR J cap और प्लस VR I cap मैग्नीट्यूड निकाले वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या देखा अपने पास बच्चों, VMR का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अपने पास वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बात करते हैं इसके अंदर ड्रिफ्टिंग की, ड्रिफ्टिंग कितनी हो जाएगी, DRIFTING। अब बात करते हैं ड्रिफ्टिंग की, तो ड्रिफ्टिंग मान लिया अपने पास कितनी हो गई इसमें एक्स, ड्रिफ्टिंग कितनी हो गई एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, एक्स बराबर आ जाएगा अपने पास, ड्रिफ्टिंग हो गई अपने पास एक्स, तो एक्स बराबर क्या जाएगा, देखो बच्चों ड्रिफ्टिंग हो गई अपने पास एक्स, तो एक्स का लिए कंपोनेंट कौन सा, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा दे रहेगा बच्चों, VR, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VR,
वी आर क्या हो गया, वी आर इंटू टाइम कितना लगा, डी अपॉन इंटू टी, इसको पार करने में टाइम टी लगा, तो वी आर डेक्स इक्वल्स टू वी आर, टाइम कितना गया अपने पास, डी अपॉन वी एम आर, तो एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास क्या, वी आर इंटू डी डिवाइडेड बाई वी एम आर, ये हो गई इसके अंदर 13। देखो इसको देख लो, शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर इसको गति करना चाहेगा तो ऐसे गति करेगा, और सबसे पहले मैन शुड स्विम परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, जब तक नदी के अंदर तैरता रहेगा तब तक उसको नदी के बहाव के हमेशा लंबवत ही तैरना पड़ेगा, अगर लंबवत तैरता रहेगा तभी वो क्या करेगा, शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर नदी को पार कर पाएगा, अन्यथा पार नहीं कर पाएगा। देख लो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं न्यूमेरिकल्स पे, बात करते हैं अपन न्यूमेरिकल्स की। देखो न्यूमेरिकल नंबर वन, न्यूमेरिकल नंबर वन कह रहा है कि ए रिवर ऑफ विथ 100 मीटर इज विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ए रिवर ऑफ विथ 100 मीटर, एक नदी है, एक नदी है जिसकी अपन को देखो ये नदी दे रखी है अपन को, ये नदी है इसकी चौड़ाई दे दी अपन को कितनी, ये नदी है, ये नदी है, इस नदी की चौड़ाई दे दी अपन को कितनी, 100 मीटर, ये नदी की चौड़ाई दे दी अपन को 100 मीटर, इज फ्लोइंग विथ स्पीड 10 मीटर, और अपने देखो इधर क्या दे रखी है, वी आर वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है कितनी, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दे रखी है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड, वी आर दे रखी है, देखो वी आर की वैल्यू दे दी अपन को कितनी, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बाद ए मैन कैन स्विम विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टील वाटर, तो सबसे पहले अपन ने फर्स्ट लाइन रिवर वाटर फ्लो में स्टार्ट करने से पहले ये ज़्यादा बोला था कि नोटेशन सबको ध्यान रखना है, तो नोटेशन के अंदर बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर अपने पास लिखा हुआ है कि मैन कैन स्विम विथ स्पीड इन स्टील वाटर, इन स्टील वाटर, स्टील वाटर, मैन कैन स्विम विथ इन स्टील वाटर, चार्जर लगा दे, चार्जर लगा रहा है। अब देखो वी एम आर अपन को दे रखी है, मैन कैन स्विम विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टील वाटर, स्टील वाटर में कितना दे रखा है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है वेलोसिटी ऑफ वी एम आर, तो अपन क्या करेंगे, इफ़ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, तो क्या करना चाहता है कि रिवर को मिनिमम टाइम में पार करना चाहता है, तो मिनिमम टाइम में पार करेगा इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर फ्लो के परपेंट, इसको रिवर फ्लो के परपेंटिकुलर जाना ही पड़ेगा ना बच्चों बोलो, तो ये हो गया अपने पास, देखो वी आर हो गया ये, तो ये तो हो गया अपने पास वी आर, अब ये जाना चाहेगा इधर वी एम आर से, लेकिन इधर क्या हो जाएगा इसमें, इसको क्या कर देगा, रिवर फ्लो ड्रिफ्ट करा देगा, ड्रिफ्ट करा के बिंदु सी पर ले आएगा, इसको मान लिया बिंदु बी दे दिया, इसको दे दिया बिंदु ए और बिंदु सी पे ले आया, और ये दूरी मान ली अपने कितनी, अक्स, ये दूरी मान ली अपने बच्चों अक्स मान ली, अब देखो इधर जाना चाहेगा, अब इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर ही जाना पड़ेगा, पूरी यात्रा के दौरान रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर ही जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपन याद करते हैं, देखो पहला कह रहा है कि स्पीड ऑफ मैन विद इन द ग्राउंड फ्रेम, तो ग्राउंड फ्रेम के अंदर, तो ग्राउंड के सापेक्ष रिलेटेड, तो पहला पहला देखो वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन की बात करते हैं, तो देखो वी एम आर किस डायरेक्शन में दे रखी है अपन को, जे केप में, प्लस वी आर किस में दे रखी है, आई केप, वी आर आई केप में, तो वी एम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो, वी एम आर जे केप, वी एम आर जे केप, तो वी एम आर कितना हो गया बच्चों, देखो 5 जे केप प्लस 10 आई केप, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाले, वी एम का मैग्नीट्यूड, वी एम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस 100,
तो वी एम की वैल्यू आ गई अपने पास बच्चों देखो √125, तो √125 आ गई। तो वी एम की वैल्यू कितनी आ गई देखो, वी एम क्यू मोड ऑफ वी एम, मोड ऑफ वी एम आ गया बच्चों देखो 125। 125 का वर्गमूल लिया था कितना आ गया अपने पास 5√5 मीटर पर सेकेंड, 5√5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 5√5 मीटर पर सेकेंड पहला। सेकंड कह रहा है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को पार करने में लगा समय कितना होगा, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, सेकंड की बात करते हैं टाइम टेकन टू रिवर क्रॉस द रिवर, तो नदी की चौड़ाई दे रखी है अपन को क्रॉस द रिवर, तो डी कितना दे रखा है 100 मीटर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर डी कितना दे रखा है 100 मीटर। तो क्रॉस रिवर करने के लिए कौन सी वेलोसिटी चाहिए अपन को, वी एम आर, तो देखो टी इक्वल टू कितना जाएगा डी अपॉन वी एम आर, तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन VMR कितना दे रखा है 5, तो 20 सेकेंड। तीसरी बात करते हैं ड्रिफ्टिंग की, तो ड्रिफ्टिंग क्या जाएगी, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट हुआ मान लो अक्ष, अक्ष विस्थापन हो गया, अक्ष दूर चला गया रिवर फ्लो की वजह से, अक्ष दूर अक्ष विचलित कर दे इसको अपने अपने मार्ग से, तो देखो अक्ष इक्वल टू कितना जाएगा, अक्ष बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है इसकी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपन को दे रखी है वी आर, और इंटू टाइम दे रखा है अपन को कितना, टाइम कितना आ गया अपने पास इंटू टी, तो अक्ष इक्वल टू कितना जाएगा, वी आर की कितनी है बोलो बच्चों 10, वी आर कितना दे रखा है 10 × 20, तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर, अक्ष कितना आ गया 200 मीटर। तो देख लो बच्चों क्वेश्चन देख लो, ये रिवर ऑफ ब्रिज क्वेश्चन दे रखा था अपन को, सबसे पहले पूछा था आदमी की व्यक्ति की ग्राउंड के सापेक्ष स्पीड देखी थी, तो वी एम लिख लिया वी एम आर जे के प्लस वी आर आई के एफ, तो वी एम आर को वैल्यू अपन को दे रखी थी स्टिल वाटर के अंदर पानी की चाल, वो तो क्या हो जाएगी वी एम आर 5 जे के प्लस 10 आई के हो गया। अब दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, इसको मैग्नीट्यूड निकाला तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों को 125 है √125, तो मोड ऑफ वी एम क्या जाएगा 5√5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड बात करते हैं डी की, टाइम की बात करते हैं टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा, रिवर को क्रॉस करने में जाएगा इसमें क्या हो जाएगा डी इक्वल टू टी अपॉन वी एम आर, डी अपन 100 दे रखा है, वी एम आर 5 था तो कितना 20 सेकेंड आ गया, ड्रिफ्टिंग हो गई इसके अंदर, ड्रिफ्ट हो गई तो अक्ष इक्वल टू क्या जाएगा, अक्ष इक्वल टू आ जाएगा वी आर इंटू टी, तो अक्ष इक्वल टू 10 × 20, तो अक्ष की वैल्यू 200 मीटर, देख लो और सॉल्व करना इसको ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब देखो पॉज करके सोल्व करो, मेरे को लग रहा है आपने सोल्व कर लिया होगा, तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर इज फ्लोइंग विथ, एक रिवर है अपने पास, एक नदी दे रखी है, एक नदी है जिसकी चौड़ाई है 1 किलोमीटर, जिसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, एक नदी है जिसकी चौड़ाई है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एक नदी की चौड़ाई दे रखी है 1 किलोमीटर, और उस नदी की स्पीड दे रखी है अपन को कितनी, उस नदी की स्पीड दे रखी है अपन को वी आर बराबर 1 किलोमीटर पर हावर। फिर ए मैन कैन स्विम स्टील वाटर, तो देखो स्टील वाटर की बात करते हैं, तो स्टील वाटर की बात करते हैं, अपने दिमाग में सीधी क्या आती है वी एम आर दे रखा है, वी एम आर कितना दे रखा है 2 किलोमीटर पर हावर, तो इफ़ यू वांट्स टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट, शॉर्टेस्ट पाथ के अनुदेश गति करना चाहता है, शॉर्टेस्ट पाथ के अनुदेश गति करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को कैसे तैरना पड़ेगा, व्यक्ति को तैरना पड़ेगा शॉर्टेस्ट पाथ से किसी एंगल थीटा पे, मान लिया उसने थीटा एंगल पे तोड़ तेरा एंगल पैर रहे हैं, तो ये तो क्या होगी इसकी वी एम आर होगी, तो इधर दो कंपोनेंट आ जाएगी अपने पास क्या वी एम आर कोस थीटा, एंड इधर आ जाएगा वी एम आर साइन थीटा, तो देखो बच्चों वी एम आर कोस थीटा गया, वी एम आर साइन थीटा गया, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा वी एम आर कोस, अगर वी एम आर साइन थीटा, अगर वी एम आर साइन थीटा, अगर वी एम आर साइन थीटा, अगर अगर वी एम आर साइन थीटा वी आर को काउंटर बैलेंस कर देता है, वी एम आर साइन थीटा वी आर को काउंटर बैलेंस कर देता है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ के अनुदिश वी एम आर कोस थीटा से शॉर्टेस्ट पाथ के अनुदिश गति कर लेगा, अपने पास आ गया वी आर अपॉन
वी एम आर। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, वो दो बच्चों साइन थीटा इक्वल टू वी आर, कितना दे रखा है अपन को, वी आर, वी आर दे रखा है 1 किलोमीटर और वी एम आर देगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो थीटा आ गया 30 डिग्री, थीटा कितना जाएगा अपने पास 30 डिग्री, मतलब कि अगर वो इधर से 30 डिग्री का कोण पे जाएगा तो सीधा कहाँ पे पहुंच जाएगा, बिंदु बी पे, मान लिया बिंदु ए है तो कहाँ पे पहुंच जाएगा, बिंदु बी पे, और यहाँ पे 30 कितनी जाएगी, 0। दूसरा स्पीड ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम, तो स्पीड ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम, तो वी एम कितनी हो जाएगी अपने पास, वी एम बराबर तो क्या हो जाएगा, वी एम आर कॉस थीटा, वी एम तो कितना हो जाएगी, वी एम आर कॉस थीटा, इस तो जाता हुआ दिखाई देगा अपन को, तो वी एम की वैल्यू हो जाएगी वी एम आर कॉस थीटा। तो वी एम कितना है, वी एम आर कितना दे रखा है अपन को बच्चों, वी एम आर दे रखा है, वी एम आर दे रखा है 2 × cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों कितनी, √3/2। तो वी एम कितना जाएगा, √3 मीटर पर सेकेंड, √3 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग फ्रॉम डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम नदी के बहाव के साथ कोण ज्ञात करना है, डायरेक्शन मतलब एंगल ज्ञात करना है नदी के बहाव के साथ, तो एंगल कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट, सेकेंड, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अब देखो ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड की बात करते हैं, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा देगा, तो टी कॉस्ट क्या आ जाएगा बच्चों, डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा इक्वल टू डी कितनी दे रखी है अपन को, 1 अपॉन वी एम आर कॉस थीटा, वी एम आर 2 × √3, 1/√3 आवर, ये हो गए। और तीसरा पूछ रहा है अपन को डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन, डायरेक्शन फ्रॉम रिवर फ्लो, डायरेक्शन फ्रॉम रिवर फ्लो, तो सबसे पहले बात कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग फ्रॉम डाउन स्ट्रीम, स्विमिंग फ्रॉम डाउन स्ट्रीम, देखो डाउन स्ट्रीम से डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम का मतलब है बच्चों नदी के बहाव के, नदी के बहाव के साथ, नदी के बहाव की दिशा के साथ क्या करना है, कोण ज्ञात करना है, डायरेक्शन मतलब एंगल फाइंड कर लेंगे अपन, तो डायरेक्शन फाइंड करते हैं, तो डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग फ्रॉम डाउन स्ट्रीम, स्विमिंग, स्विमिंग फ्रॉम डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, स्विमिंग फ्रॉम डाउन, डाउन स्ट्रीम तो लिखा अपन, स्विमिंग फ्रॉम डाउन स्ट्रीम लिखा। तो अब देखो स्विमिंग फ्रॉम डाउन स्ट्रीम में डायरेक्शन की याद करते हैं, तो ये एंगल, तो इसको मान लिया अपन, एक क्या एंगल हो गया, मान लिया ये अल्फा मान लिया, तो अल्फा इक्वल टू कितना जाएगा, थीटा प्लस 90 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू थीटा तो कितना हो गया, 30 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री, तो अपने पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। अगर रेडियन में ज्ञात करना चाहिए तो रेडियन में ज्ञात करें तो 2π/3, 2π/3 रेडियन, 2π/3 रेडियन, ये क्या जाएगी इसकी डायरेक्शन बच्चों। अब देखो ये कोई भी क्वेश्चन हो तो इनके सूत्र याद, को याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे अपने पास, क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसे डायरेक्ट, इंस्टेंट डायरेक्ट अगर डायग्राम बनाने, इंस्टेंट डायग्राम बनाने, और इंस्टेंट डायग्राम बनाते ही अपने पास क्वेश्चन सोल्व होगा सीधा। तो ये अपने पास क्वेश्चन थे और ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। अब देखो तो बच्चों चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब, कमेंट करो एंड शेयर करो, और अधिक से अधिक वीडियो के लिए, अधिक से अधिक वीडियो लेक्चर के लिए हमारे चैनल ईशियाई नीति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।